वक्त नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आपके लिए एक अहम इतला थी फार्मर्स के लिए कि जो लोग सोल का बच्चा लेना चाहते हैं तो हम फरवरी में सोल का बच्चा आपको प्रोवाइड करेंगे, वो अभी से हमारे पास बुकिंग करवा लें, बजाय इसके कि आप लेट हो जाएं और हमारी बुकिंग मुकम्मल हो जाए। जिसने भी बच्चा लेना है वो बुकिंग अभी करवा ले, पेमेंट चाहे जनवरी में करे या फरवरी में करे, लेकिन टोकन मनी या वैसे वर्बली बुकिंग जरूर करवा ले। और अपना एड्रेस वगैरह हमें एक हमने ग्रुप बनाया है सोल फिश फार्मिंग के, तो हम उसमें उसको ऐड भी कर देंगे और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो उसमें शामिल हो जाएगा और इन टाइम जो है वो अपने टैंक वैंक रेडी कर ले और उसमें, क्योंकि सोल का रेट बहुत अच्छा है, आपको पता है आजकल खास तौर पे जो सियालकोटी हैं वो तो बहुत ज्यादा सोल फिश खाते हैं, फैसलाबाद बल्कि पूरे मुल्क में खाई जाती है, इवन कराची तक पसंद की जाती है, और रेट भी आपको पता है कि 1600 रुपए इस वक्त रेट है आज का, आज 15 दिसंबर है तो आज का रेट मैं बता रहा हूं। अब दूसरी बात यह है कि पहले ये सोल जो है वो सिंध से आती है, तो सिंध से आते आते ही इसमें काफी सारी मछली मर जाती है, और क्योंकि सफर बहुत ज्यादा है, फर्ज करें अगर एक बंदे ने रावलपिंडी में डालनी है तो सिंध से ट्रेवल करना उसके लिए तो नामुमकिन है तकरीबन, कि वहां इसीलिए सोल फिश कल्चर जो है वो रावलपिंडी और ये जेलम गुजरांवाला चकवाल साइड पे नहीं हुआ। तो अब क्योंकि हमारे पास ये सहूलत मौजूद है और हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो जेलम में है और दूसरा लाहौर में है, तो अब किसी को भी बच्चा चाहिए हो तो 4 से 5 इंच का बच्चा, अभी बच्चा हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हम उसकी नर्सिंग कर रहे हैं और उसको थोड़ा बड़ा करके 5 से 6 इंच का बच्चा इंशाल्लाह फरवरी में हो जाएगा, तो उस वक्त हम डिलीवर करेंगे। तो ये इतला आपको देनी थी, अब मुझे इजाजत दें और अपने आप को हमारे पास कम से कम ग्रुप में, सोल फिश फार्मर का एक ग्रुप है, आप अपना नाम भेजें हम आपको ऐड कर देंगे, तो उसमें शामिल हो जाएं, उसमें हम इसकी खुराक के बारे में, परवरिश के बारे में, बाकी सारी चीजें उसमें नॉलेज दे रहे होंगे, तो आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।